भाजपा का असली खेल चीनी और शक्कर में पूरी तरह से मेल। चीनी बंद कर दी राशन में, गरीब को प्रताड़ित करना, किसान को बिजली नहीं मिलती लेकिन डेढ़ गुना बिजली का बिल आपके हाथ में थमाया जाता है। और अगर किसान अपने अनुचित बिजली का बिल का भुगतान न करे उसके हथकड़ी लगाकर जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है। बाबा साहब अंबेडकर की ये बात करते हैं, जयंती मनाते हैं बापू महात्मा गांधी की। 2 अक्टूबर को राहुल जी के साथ मैं सेवाग्राम में गया था बापू के चरण स्पर्श करने के लिए, और हम लोग सेवाग्राम में बापू के चरण स्पर्श कर रहे थे। रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता, बापू के हम चरण स्पर्श कर रहे थे सेवाग्राम में। और 2 अक्टूबर को हरियाणा पंजाब राजस्थान के किसान सड़क पर चलकर दिल्ली में अपना मांग रखने आए तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई और आंसू गैस की गोले चलाए गए। और मेरे मध्य प्रदेश में मेरे मंदसौर के किसान जो अपने उत्पादन का हक मांगने गए थे उनके छातियों पर गोली बरसाई गई। इस मिट्टी में उनका खून लथपथ करके मिलाया गया। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि जब तक भाजपा की बोरी बिस्तर बांध के रवाना न करे तब तक मैं फूल की माला नहीं लूंगा, केवल सूत की माला लूंगा। आज मुझे गर्व है मेरी मध्य प्रदेश की जनता पर बोरी बिस्तर बांध के रवाना कर दिया। आज किसान बेहाल, ये नौजवान लोग जो खड़े हैं धूप में मेरे साथ, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां आपका पसीने का बूंद टपकेगा वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी पसीने का बूंद टपकेगा। और विक्रमादित्य सिंह जी का पसीना क्या, इनकी जीवन की जरूरत भी होगी तो मुझे विश्वास है कि आपके लिए निछावर करने के लिए तैयार है। आज नौजवान प्रताड़ित, कहा था इन्होंने हम लाएंगे अवसरों का भंडार, लेकिन लेके आए मोदी जी पान और पकौड़े की सरकार। 2 करोड़ रोजगार के अवसर देंगे, 2 करोड़, 10 करोड़ 5 साल में। एक चपरासी के नौकरी के लिए 15,000 आवेदन, और 15,000 आवेदन में से 3,000 आवेदन PhD के स्टूडेंट्स का, 8,000 आवेदन पोस्ट ग्रेजुएट का। ये हाल करके रख दिया है देश का। चाहे रोजगार की बात करो, चाहे किसान की बात करो, चाहे महिला की बात करो, ये महिला घर की अस्मिता नहीं केवल, ये महिला परिवार की अस्मिता नहीं, ये महिला गांव की अस्मिता नहीं, ये महिला मेरी देश की अस्मिता है, मेरी देश की अस्मिता है। और आज महिलाओं के साथ बलात्कार, एक एक शहर में, एक एक गांव में। मैं तो ये कहता हूं कि जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा न कर पाए उस सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। हिंदुत्व की बात करते हैं ये लोग, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है पंडित जी, ओ शर्मा जी, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है
यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। और इनके हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी जी क्या कहते हैं कि अगर महिलाओं में पुरुषों का गुण आ जाए तो महिला राक्षस बन जाती है। शर्मानी आनी चाहिए इन लोगों को। आज कांग्रेस पार्टी ने प्रण लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को लिए लगाकर हम लोग महिला सशक्तिकरण लेकर आएंगे। तो चाहे महिला की बात हो, नौजवान की बात हो, चाहे किसान की बात हो, कांग्रेस की सरकार आएगी तो पूरे देश में जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने करके दिखाया है, जैसे विक्रमादित्य सिंह जी ने कहा 10 दिन के अंदर नहीं 4 दिन के अंदर, वो पूरे देश में राहुल गांधी जी करके दिखाएंगे। भाजपा ने नोट बंदी लाई, हम नोट वापसी लाएंगे आपके। क्या किया नोटबंदी, वाह वाह, वो तो जब हम लोग बच्चे होते थे ना तो वो कोल्ड ड्रिंक का इश्तिहार निकलता था, चलो आज कुछ तूफानी कर देते, याद है ना। देश की 82% मुद्रा एक ही घोषणा से इन्होंने कागज के टुकड़े में परिवर्तित कर दिया। छोटे दुकानदार का व्यापार ठप, रोजगार के अवसर ठप, और मोदी जी और उनकी कैबिनेट मस्त। मैं तो आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि जो इन्होंने नोटबंदी करके आपके ऊपर कठिनाई आपके ऊपर डाली है, नोटबंदी के बदले में 18 तारीख को वोट बंदी का ऐलान कर देना। और अगर नोटबंदी काफी नहीं तो ले आए गब्बर सिंह टैक्स, एक एक व्यापारी छोटे दुकानदार पर भार। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये गब्बर सिंह टैक्स को हटा के हम छोड़ेंगे। बचपन में जब हम लोग छोटे होते थे, मेरी मां कभी कभी कह देती थी सो जाना नहीं तो गब्बर सिंह आएगा रात को सपने। यहां तो दिन दहाड़े गब्बर सिंह हर व्यक्ति के सिर पर मंडरा रहा है। एक असहिष्णुता का वातावरण पूरे देश में। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। हां मोदी जी, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया वो आपने 5 साल में करके दिखा दिया। पूरे देश में असहिष्णुता का वातावरण तैनात कर दिया। भाई भाई के बीच में लड़ाई, जात जात के बीच में लड़ाई, धर्म धर्म के बीच में लड़ाई। इस देश की बुनियाद, इस देश का इतिहास धर्म निरपेक्षता, उदार विचारधारा, सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पर बनी है। याद है आपको राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की कहानी। इस देश में आप और हम मिलकर एक रमजान मनाते हैं, एक ऐसा रमजान जिसमें एक राम होता है। और इसी देश में आप और हम मिलकर जश्न के साथ एक दिवाली मनाते हैं, एक ऐसी दिवाली जिसमें एक अली होती है। यह इस देश का सांप्रदायिक सद्भाव का इतिहास है। इकबाल की पंक्तियां मुझे याद आ गई, आपस में न बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता
आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। राष्ट्रवाद की बात ये करते हैं। अभी पास में अतिथि आए थे कठुआ में, न्यू इंडिया, राष्ट्रवाद की बात की। अरे वो लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जिनके दल ने 30 साल अपने दफ्तर पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया। वो लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जिनके मंत्री ने अपने जहाज में मसूद अजहर को बैठाकर अफगानिस्तान गए थे छुड़वाने के लिए। वो लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि चीन को लाल आंख दिखाएंगे, और जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए तो साबरमती के तट पर झूला झूला कर खांडवी और ढोकला खिलाया। ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान को सीख सिखा देंगे और पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। अरे अगर पाकिस्तान को सीख सिखाना सीखना है तो मेरी नेत्री इंदिरा गांधी से सीखो, जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े करा दिए। राष्ट्रवाद के ये लोग बात करते हैं जिनके 5 साल के कार्यकाल में हर आर्मी के कैंप पर हमला आतंकवादी ने करवाया है, चाहे पठानकोट हो, उरी हो, नगरोटा हो, पंपोर हो। और राष्ट्रवाद की बात वो करते हैं जब 39 हमारे वीर जवान भैया शहादत पा गए पुलवामा में, उनको शहीद का दर्जा देने की इंसाफी भी नहीं किया इन्होंने। तो राष्ट्रवाद की पाठ कम से कम हमें भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई और बहनों। और वंशवाद की बात करते हैं, हाँ इस परिवार में राजनीति की परंपरा रही, लेकिन इस परिवार में जनसेवा की परंपरा रही है मेरे भाई और बहनों। और मेरे पूज्य पिताजी कहते थे कि जीवन में लक्ष्य राजनीति नहीं होना चाहिए, जीवन में लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है, हमारी सरकार बनाओ, 72,000 रुपया हर गरीब परिवार के पुरुष के खाते में नहीं लेकिन महिला के खाते में हम डालेंगे। तो आज चुनौती है आपके सामने, ये आप मत समझना कि आप विक्रमादित्य सिंह जी को केवल एक सांसद के रूप में चुन रहे हो। विक्रमादित्य सिंह जी को आप अपने जनसेवक के रूप में चुन रहे हो, अपने परिवार के सदस्य के रूप में चुन रहे हो, अपने आप के बीच में के एक व्यक्ति को आप चुन रहे हो। 5 साल में भाजपा के मंत्री ने क्या करके दिखाया? न पानी, न सड़क, न बिजली, न राशन, दौरा भी नहीं, उड़न खटोले से टपक टपक के गांव में जाते हैं। बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री हैं, बड़े आदमी को मत चुनो, अपने घर के व्यक्ति को चुनो, उनको चुनो जिनके पूर्वजों ने दिखाया है कि उनकी अगर शरीर में लहू है तो जम्मू और कश्मीर की सेवा की लहू है, एक संकल्प की लहू है। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबको देखा बारंबार, विक्रमादित्य सिंह जी को देखो एक बार। आंधियों का जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों का जिद है
जहां बिजलियां गिराने की हमारा भी जिद है, आशियां वहीं बनाने की। आंधियों का जिद है जहां, अरे मुझे जोश दो, आंधियों का जिद है, हमारा भी जिद है आशियां भी वहीं बनाने की। अगर असूलों पे नजर आए, असूलों पे नजर आए तो टकराना जरूरी है। असूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अरे बिलावर की मेरी जनता, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो आज आपके समक्ष एक कुशल जनसेवक के पक्ष में मैं आया हूं और ये संकल्प आपको देता हूं कि अगर आपने इनको यहां से सांसद चुना तो आप मत समझना कि अकेले, डायरेक्शन देना बंद करिए, और कठिनाई यही है ना मंत्री।